नमस्कार, आपके साथ मैं हूँ सुमैरा खान। आज के दिन ये सवाल बेमानी है कि भारत का सबसे बड़ा दुश्मन, मोस्ट वांटेड, 1993 मुंबई बम धमाकों का मास्टरमाइंड दाऊद इब्राहिम कहाँ है। ये सवाल भी अब कोई मायने नहीं रखता कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान के किस शहर के किस मोहल्ले के किस मकान में रहता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब यह है कि इस कबूलनामे के बाद कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में ही है, कराची में रहता है, क्या पाकिस्तान दाऊद इब्राहिम को भारत को सौंपेगा। और एक और बड़ा सवाल ये कि नाना करने के बाद पाकिस्तान क्यों इस बात को कबूल करने के लिए तैयार हो गया कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में ही है। हमारी टेली सीरीज डॉन, डोंगरी टू कराची के इस एपिसोड में देखिए चक्रव्यू, बोन ऑफ कंटेंशन। 27 वर्षों से ये जमी पूछ रही थी, ये आसमान पूछ रहा था। 27 वर्षों से समंदर पूछ रहा था। देश के सबसे जिंदा दिल शहर की रंगीन दांतें पूछ रही थी। 1993 मुंबई सीरियल ब्लास्ट का सबसे बड़ा गुनहगार कहां छिपा है? पिछले 27 वर्षों से नरसंहार की ये तस्वीरें पूछ रही थीं कि मुंबई हमले का कसूरवार कब शिकंजे में होगा। 27 वर्षों बाद एक मुख्तसर जवाब सरहद पार से आया है। दाऊद इब्राहिम कराची में है। पाकिस्तान ने पहली बार कबूला है, दाऊद कराची के क्लिफ्टन में रहता है। बाकायदा पाकिस्तान में दाऊद के 3-3 पते दिए गए हैं। व्हाइट हाउस, सऊदी मस्जिद के पास, क्लिफ्टन, कराची। मकान नंबर 37, 30वीं गली, डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी, कराची, पाकिस्तान। पलाटेल बंगला, नूराबाद, कराची, पाकिस्तान। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम कास्कर की ये पते कहां से प्रकट हो गए? क्या आसमान खोदकर या जमीन फाड़कर पाकिस्तान ने दाऊद का पता ढूंढ लिया? आज की तारीख में ये कोई चौंकाने वाला राज नहीं है, लेकिन दाऊद पर पाकिस्तानी हुक्मरानों के झूठ का पुलिंदा इतना भारी था कि वजीर से वजीर आजम तक और कायर जनरलों से सदर ममालिक तक डॉन की पाकिस्तान में मौजूदगी पर झूठ बोलते रहे। दाऊद इब्राहिम की पाकिस्तान में मौजूदगी पर ये रवैया बेशर्मी की इंतहा था, लेकिन अब पाकिस्तान ने दाऊद के रहस्य से पर्दा हटाते हुए बेशर्मी का नया कबूलनामा पेश किया है। ये है वो कागज का टुकड़ा जिसमें दाऊद के पाकिस्तान में होने का इश्तिहार है। इस कागज के टुकड़े के जरिए पाकिस्तान ने कबूल कर लिया कि उसकी आस्तीन में दाऊद है। हुकूमत इमरान का ये दुरुस्त दुनियावी दस्तावेज है जो सरयाम कह रहा है कि हिंदुस्तान का दुश्मन नंबर 1 दाऊद इब्राहिम कराची में मौजूद है। सिर्फ इतना ही नहीं, इस कागज के टुकड़े में दाऊद के पाकिस्तानी पासपोर्ट का भी पूरा कच्चा चिट्ठा है। इसमें 2 पासपोर्ट रावलपिंडी से जारी हुए तो 1 कराची से। इसमें रावलपिंडी से जारी 1 पासपोर्ट 1991 का है, यानी मुंबई सीरियल ब्लास्ट से 2 साल पहले का। पाकिस्तान के हृदय परिवर्तन के फरेब की पोल खोलने से पहले जरा दाऊद पर हिंदुस्तान की तकरीर जानना भी जरूरी है। ये कोई पहला मौका नहीं था। मोदी सरकार से पहले मनमोहन सरकार ने भी दाऊद के कराची में होने के सबूत पाकिस्तान को सौंपे थे, लेकिन निर्लज्ज पाकिस्तान ने उसे कभी तवज्जो नहीं दी। कई दफा लगातार और बार बार दाऊद की पाकिस्तान में मौजूदगी को लेकर दस्तावेज प्रमाण दिए गए, दाऊद का असली पाकिस्तानी पता दिया गया, लेकिन हिंदुस्तान से अदावत और आस्तीन में दहशतगर्दी पालने वाले पाकिस्तान ने इन सबूतों को कभी भी तवज्जो नहीं दी। इसके बारे में तो मैं यही कह सकता हूं कि वो साहब पाकिस्तान में नहीं है। अब सवाल है,
दाऊद को जिगर का टुकड़ा मानने वाले पाकिस्तान ने आखिर डॉन को बेपर्दा क्यों कर दिया? क्यों दुनिया से कह दिया हाँ दाऊद पाकिस्तान में है? अब जरा इसे समझिए। 1989 में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का गठन हुआ। ये अंतर्राष्ट्रीय अंतर सरकारी इकाई है जिसमें सदस्य देश आतंकवाद की रोकथाम के लिए कदम उठाते हैं। ये संस्था आतंकी संगठनों को फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम की जिम्मेदार है। FATF ऐसे देशों को ग्रे लिस्ट में डालता है जो आतंकी संगठनों को पालते पोसते हैं। ऐसे देशों की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फाइनेंसिंग पर रोक लगाई जाती है। पाकिस्तान पर आतंकी संगठनों की मदद, संरक्षण देने और FATF की ब्लैक लिस्ट में शामिल होने की तलवार लटक रही थी। ब्लैक लिस्ट में शामिल होते ही IMF, वर्ल्ड बैंक, ADB और यूरोपियन यूनियन से पाकिस्तान को आर्थिक मदद रुक जाएगी। लिहाजा पाकिस्तान ने कबूल कर लिया कि ग्लोबल टेररिस्ट दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में है। दाऊद इब्राहिम पर पाकिस्तान का कबूलनामा उसके सीना जोरी है, क्योंकि डॉन को 2003 में अमेरिका जैसे देश तक ने ग्लोबल टेररिस्ट घोषित कर दिया था। में नरेंद्र मोदी की ताजपोशी के बाद यह माना गया कि नरेंद्र मोदी देश के दुश्मनों को सलाखों के पीछे भेजेंगे। यह भी कई दफा कहा गया कि दाऊद इब्राहिम की सल्तनत को खत्म करने के लिए ऑपरेशन डॉन चलाया जा रहा है, लेकिन दाऊद इब्राहिम को हासिल करने की तमाम कोशिशें नाकाम रही। इसका यह मतलब बिल्कुल भी नहीं कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में बैठकर अपनी अंडरवर्ल्ड की सल्तनत को बेधड़क चलाता रहा। संयुक्त राष्ट्र से लेकर अमेरिका तक, लंदन से लेकर दुबई तक दाऊद इब्राहिम की कमर तोड़ने की हर कोशिश की गई। इसके अलावा पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आतंकवाद पर उसकी नियत को लेकर बेपर्दा भी किया गया, जिसका नतीजा भी अब दिखाई दे रहा है। हमारी टेली सीरीज के इस एपिसोड में देखिए जाल, ऑपरेशन डॉन। अगस्त 2015, अबू धाबी, UAE। देश की कमान संभालने के 14 महीने बाद प्रधानमंत्री मोदी अबू धाबी पहुंचे तो क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद ने उनका लाल कालीन बिछाकर जोरदार स्वागत किया। इस दौरे के जरिए दुनिया मुस्लिम वर्ल्ड में मोदी का क्रेज देख रही थी तो देश की नजर मोदी क्राउन प्रिंस की मुलाकात पर थी। दौरे पर मोदी के साथ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल भी थे, जिनके ब्रीफ केस में कुछ खास दस्तावेज थे। समझा जा रहा था कि अजीत डोभाल अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का कच्चा चिट्ठा UAE को सौंपेंगे और उसके साथ देश के दुश्मन की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। दरअसल कराची में दुबक कर बैठा दाऊद डी कंपनी का काला साम्राज्य दुबई के जरिए पूरी दुनिया में चलाता था। दुबई में दाऊद की 5,000 करोड़ की संपत्ति थी। दुबई में डी कंपनी ओएसिस ऑयल एंड लूब, अलनूर डायमंड एंड ओएसिस पावर नाम की कंपनी ऑपरेट करती थी। दुबई के रास्ते डी कंपनी अफ्रीका से डायमंड बिजनेस कर रही थी। इसे फिरोज नाम का शख्स ऑपरेट करता था। फिरोज हिंदी, अंग्रेजी, तमिल और अरबी बोलने में माहिर था। 2015 में नरेंद्र मोदी के दुबई दौरे के दौरान अजीत डोभाल ने UAE को जो डोसियर सौंपा उसमें डी कंपनी की तमाम रजिस्टर्ड और बेनामी संपत्तियों का जिक्र था। ऐसा माना जाता है कि इस डोसियर के बाद UAE सरकार ने डी कंपनी पर शिकंजा कसा, जिससे UAE में ही डी कंपनी की कमर टूट गई। नवंबर 2015, लंदन, ग्रेट ब्रिटेन। दुबई दौरे के 3 महीने बाद नरेंद्र मोदी लंदन पहुंचे। तब प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रिटेन के तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर डेविड कैमरून से लंदन में डी कंपनी पर नकेल कसने को लेकर बात की। यूनाइटेड किंगडम में डॉन की 17 संपत्तियों की लिस्ट दी गई, जिसमें डी कंपनी के बंगले, फ्लैट और होटल शामिल थे। इन संपत्तियों की कुल कीमत करीब 1,000 करोड़ रुपए से ज्यादा आंकी गई।
दरअसल प्रधानमंत्री मोदी के दौरे से महीने भर पहले ब्रिटेन में दाऊद को घेरने की कोशिश शुरू हो चुकी थी। भारत ने इंटरपोल को लंदन में दाऊद की संपत्तियों की लिस्ट सौंप दी थी। इसका मतलब साफ था कि हिंदुस्तान के दुश्मनों को कानून के फंदे में लाने के लिए मोदी सरकार एक्शन मोड में थी। सरकार में आने से पहले ही नरेंद्र मोदी अपने इरादे मीडिया के सामने जाहिर कर चुके थे। हमारी आवाज में आतंक के खिलाफ दुनिया को सतर्क करने की गंभीरता भी है और आक्रोश भी। मतलब खुल्लम खुल्ला भले ना हो, लेकिन डी कंपनी को दबोचने से नरेंद्र मोदी ने इनकार नहीं किया। इस बीच 25 अक्टूबर 2015 में डी कंपनी का पुराना साथी छोटा राजन इंडोनेशिया के बाली में गिरफ्तार हो गया। बहुत अत्याचार किया है, तो दिल्ली सरकार भी वो नजरिया से देखते हुए छोटा राजन को भारत लाया गया। ऐसा समझा गया कि छोटा राजन के बाद अगला नंबर दाऊद इब्राहिम का है। लेकिन इस काम में सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि दाऊद पाकिस्तान में छिपा था। पाकिस्तान में दाऊद की मौजूदगी से हमेशा पाकिस्तान इनकार करता रहा, लिहाजा भारत ने भी तरीका बदला और अंतर्राष्ट्रीय मंचों और विदेशी दौरे पर आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को सीधा टारगेट करना शुरू कर दिया। 9/11 हो या मुंबई में 26/11 हो, उसके साजिशकर्ता कहां पाए जाते हैं? साथियों, अब समय आ गया है कि आतंकवाद के खिलाफ और आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ी जाए। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र के सालाना संबोधन में दहशतगर्दी के मुद्दे पर खूब खरी-खोटी सुनाई। ये सिलसिला अब तक जारी है। अगस्त 2020 में ही भारत ने संयुक्त राष्ट्र में 1993 मुंबई हमले का जिक्र कर पाकिस्तान को आतंकवाद के मुद्दे पर बेनकाब कर दिया। भारत की ओर से कहा गया कि 1993 मुंबई हमले में 250 बेगुनाह मारे गए, लाखों डॉलर की संपत्ति का नुकसान हुआ और इस अपराध को अंजाम देने वाले को पड़ोसी देश में सरपरस्ती हासिल है। भारत का इशारा दाऊद इब्राहिम और उसकी डी कंपनी की तरफ था, क्योंकि डी कंपनी ने ही 1993 मुंबई सीरियल ब्लास्ट को अंजाम दिया था। हमले के बाद डी कंपनी दुबई और फिर कराची शिफ्ट हो गई। डोंगरी का टपोरी, पॉकेट मार, राडो घड़ियों का चोर, नशीले पदार्थों का तस्कर, दाऊद इब्राहिम की क्राइम फाइल में बस यही सब दर्ज है। मुंबई का भगोड़ा दुबई जाकर डॉन बन गया, ऐसा डॉन जो दहशतगर्दों का मोहरा बना। दुबई में एक जमाने में दाऊद इब्राहिम की सल्तनत चलती थी, वो जिसे चाहता अपनी उंगलियों पर नचाता। बड़े बड़े फिल्म स्टार दाऊद इब्राहिम के सामने हाजिरी लगाते थे, क्रिकेट स्टेडियम में बैठकर सट्टा लगाने का शौक, रोल्स रॉयस गाड़ियों में घूमने का शौक, क्या कुछ नहीं करता था दाऊद इब्राहिम। लेकिन वही दुबई जहां दाऊद इब्राहिम का सिक्का चलता था, वहां से वो दुम दबाकर क्यों भागा? हमारी टेलीसीरीज के इस एपिसोड में देखिए भगोड़ा, गून टू गैंगस्टर। साल 1988, दुबई। रंगीन रोशनी से नहाए दुबई में उस रात सितारों का मेला लगा था। दुबई में आरडी नाइट प्रोग्राम था, सुरीली महफिल में फिल्म अभिनेता ऋषि कपूर भी थे, मगर म्यूजिकल नाइट में ऋषि का मन बेचैन था। दुबई एयरपोर्ट पर उनके साथ अजीब बात हुई थी। एक अजनबी ने फोन पर किसी से बात करवाई, वो दाऊद इब्राहिम का गुर्गा था, डॉन दाऊद का। मुंबई का भगोड़ा गैंगस्टर जो दुबई पहुंचकर डॉन बन चुका था, ऋषि कपूर से डॉन मिलना चाहता था। ऋषि कपूर ने बहुत सोचा समझा, फिर मुलाकात को तैयार हो गए। दाऊद का ठिकाना दुबई का अलहमरिया पोर्ट था।
इस ठिकाने की भनक किसी को ना लगे, इसके लिए ऋषि कपूर को कई गलियों में घुमाने के बाद यहां लाया गया। दुबई में दाऊद ने सब कुछ बदल डाला था, उसकी जिंदगी, उसके शौक, उसके धंधे, सब कुछ नया। मुंबई का टपोरी दुबई पहुंचकर खूंखार देशद्रोही बन चुका था, जिसके जहन में जहर भरा था, काले धंधे का किंग दहशतगर्द बन चुका था। जो क्रिकेट स्टेडियम में बैठकर सट्टेबाजी करवाता था, जो मुंबई में फिरौती के लिए किसी को भी गोलियों से भुनवाता था, उसने 12 मार्च 1993 को अजीम गुनाह अंजाम दिया। पहला धमाका दोपहर 1:30 बजे मुंबई स्टॉक एक्सचेंज, दूसरा धमाका दोपहर 2:15 नरसीनाथ स्ट्रीट, तीसरा धमाका दोपहर 2:30 शिवसेना भवन, चौथा धमाका दोपहर 2:33 एयर इंडिया बिल्डिंग, पांचवा धमाका दोपहर 2:45 सेंचुरी बाजार, छठा धमाका दोपहर 2:45 माहिम, सातवां धमाका दोपहर 3:05 झावेरी बाजार, आठवां धमाका दोपहर 3:10 सी रॉक होटल, नौवां धमाका दोपहर 3:13 प्लाजा सिनेमा, दसवां धमाका दोपहर 3:20 जुहू सेंटूर होटल, ग्यारहवां धमाका दोपहर 3:30 सहार हवाई अड्डा, बारहवां धमाका दोपहर 3:40 एयरपोर्ट सेंटूर होटल। सिलसिलेवार 12 धमाके से मुंबई दहल गई, 250 से अधिक लोगों की जान गई, हजारों घायल हुए। इन धमाकों का मास्टरमाइंड दुबई में बैठा दाऊद इब्राहिम कासकर निकला। मुंबई धमाके में शामिल उसके गुर्गे एक एक कर पुलिस के हत्थे चढ़े, लेकिन दो अहम किरदार टाइगर मेमन और दाऊद कभी रडार पर नहीं आए। इसकी सबसे बड़ी वजह थी, ये दोनों दुनिया की सबसे बदनाम खुफिया एजेंसी के मोहरे बन चुके थे। पाकिस्तान की ISI दाऊद की सुरक्षा की गारंटी ले चुकी थी, उसे पाकिस्तानी पासपोर्ट दिया गया, एक दो नहीं 3-3 पाकिस्तानी पासपोर्ट। दाऊद के पास रावलपिंडी से जारी पहले पासपोर्ट का नंबर G866537 है। उसका दूसरा पासपोर्ट कराची में जारी किया गया, जिसका नंबर C267185 है। तीसरा पासपोर्ट भी कराची में जारी किया गया, जिसका नंबर KC285901 है। इस पासपोर्ट की बदौलत दुबई और कराची में दाऊद के लिए कोई फर्क नहीं रह गया। कुछ खास मौकों पर दाऊद के दुबई में होने की खबरें भी आईं। साल 2006 में दाऊद का खेल करीब करीब खत्म होने वाला था। मौका उसकी बड़ी बेटी की शादी का था। दुबई ग्रैंड हयात होटल। दाऊद की बड़ी बेटी माहरूख की शादी जुनैद मियादाद से हुई थी। दावत वलीमा दुबई के ग्रैंड हयात होटल में थी, जिसमें डी कंपनी के अलावा 500 मेहमान शरीक होने थे। दाऊद ग्रैंड हयात के बिन्यास बॉलरूम में डिनर में शरीक होने वाला था। खबर पुख्ता थी, एनकाउंटर करने वाले शार्प शूटर भी तैयार थे, लेकिन ऑपरेशन शुरू होता उससे पहले ही प्लान लीक हो गया। दाऊद बचकर भाग निकला। तब से उसने कराची के बाहर तब कदम रखे जब उसकी जान पर खतरा मंडराया।
साल 2015 में भारत ने एनएसए स्तर की बातचीत के दौरान पाकिस्तान को डोजियर सौंपा, तब दाऊद की लोकेशन बदली गई। आईएसआई ने दाऊद को क्लिफ्टन रोड के व्हाइट हाउस से उसके परिवार समेत पाकिस्तान की मुरी में शिफ्ट किया था। दाऊद के साथ तब उसका भाई अनीस इब्राहिम भी मुरी में कई महीने छिप कर रहा। हिंदुस्तान का दुश्मन नंबर वन कायर की तरह पाकिस्तान में जान की खैर मना रहा है, जबकि पाकिस्तानी उसे कराची का बेताज बादशाह मानते हैं। पाकिस्तान जहां गली मोहल्ले में टेरर फैक्ट्री चलती है, जहां बम बारूद खिलौनों की तरह बिकते हैं, जहां फिदाइन दहशतगर्द जहां तहां फटते रहते हैं, वहां दाऊद इब्राहिम जैसे डॉन की क्या हैसियत, जहां मौत बांटना पेशा है। दाऊद इब्राहिम जैसे न जाने कितने डॉन पाकिस्तान में पलते हैं। फिर दाऊद इब्राहिम किस हैसियत से पाकिस्तान में अपनी धाक जमाता है? क्या कराची में डी कंपनी आतंकी संगठनों से भी ज्यादा खतरनाक है? दाऊद इब्राहिम को कराची का बेताज बादशाह किसने बनाया? टेली सीरीज के इस एपिसोड में देखिए कंपनी डार्लिंग ऑफ डेविल्स। बूम बूम अफरीदी खराब दौर में थे, न बल्ला चल रहा था, न गेंदबाजी में धार बची थी। बुरे दौर में पाकिस्तान की आवाम अफरीदी को खूब खरी खोटी सुना रही थी। अफरीदी से खफा पूर्व क्रिकेटर जावेद मियादाद ने उन्हें नमक हराम और लालची कह दिया। मुंह फट मियादाद और बूम बूम अफरीदी में ठन गई। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के दो दिग्गज सड़क छाप टपोरी की तरह भिड़ गए। अफरीदी ने सरेआम मियादाद का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। झगड़ा इतना बढ़ा कि मियादाद अफरीदी का नाम सुनते ही फट पड़ते। मियादाद के जुबानी वार पर अफरीदी बराबर पलटवार कर रहे थे। विवाद ने इतना तूल पकड़ा कि इमरान खान सुलह समझौते के लिए कूद पड़े, मगर मसला नहीं सुलझा। इमरान की ना तो अफरीदी ने सुनी न मियादाद माने। तगड़े झगड़े में तब डॉन ने दखल दिया। 14 अक्टूबर 2016 की रात शाहिद अफरीदी को फोन आया। फोन डॉन दाऊद ने किया। दाऊद के एक फोन ने अफरीदी की हेकड़ी गुल कर दी। वो अगली सुबह मियादाद से गलबहियां करने पहुंच गए। पाकिस्तान में दाऊद का खौफ है, उसकी धौंस चलती है। कराची में बैठा डॉन इस्लामाबाद तक धमक रखता है, उसकी डी कंपनी का सिक्का चलता है। दाऊद का साम्राज्य इतना बड़ा है कि वो पाकिस्तानी हुक्मरानों को उंगलियों पर नचाता है। कराची में दाऊद का धंधा उसके मोइन पैलेस बंगले से चलता है। मोइन पैलेस बंगला दाऊद ने बेटे मोइन के पैदा होने के बाद खरीदा था। मोइन पैलेस की निगरानी कराची रेंजर्स करते हैं। दाऊद की हवेली में शानो शौकत के साथ सुविधाओं का खास ख्याल रखा गया है। मोइन पैलेस में वाटरफॉल, स्विमिंग पूल, टेनिस कोर्ट, बिलियर्ड्स कोर्ट, जॉगिंग ट्रैक तक बनाए गए हैं। आलिशान मोइन पैलेस में खास मेहमान आते हैं। यहीं से दाऊद दुनिया भर में फैले काले धंधे चलाता है। कराची में ही दाऊद का तामझाम इतना बड़ा है जो किसी को भी तंग कर दे। कराची के खयाबाने शमशीर की सभी दुकानें डी कंपनी की हैं। कराची शहर की मेन मार्केट, शाह राजे की मेन रोड की सभी मार्केट दाऊद इब्राहिम की हैं। लाहौर का मदीना बाजार डी कंपनी की मिल्कियत है। पेशावर के अरकेजाई बाजार को दाऊद के गुर्गे चलाते हैं। कराची शेयर मार्केट हो या हवाला रैकेट, कराची में जमीन की खरीद फरोख्त हो या रियल एस्टेट की बड़ी डील, दाऊद इब्राहिम कास्कर की दखल के बिना सौदा मुमकिन नहीं। पाकिस्तान की सियासत में दाऊद का ऐसा दबदबा है कि मोइन पैलेस में उससे मिलने बड़े बड़े लीडर लाइन लगाए रहते हैं।
आजकल दाऊद के वेटिंग रूम में इमरान खान की पार्टी के नेताओं का जमघट लगता है। इसकी सबसे बड़ी वजह है दाऊद की दौलत। फोर्ब्स मैगजीन ने दाऊद के पास कुल 670 करोड़ डॉलर यानी करीब 43,550 करोड़ रुपए की संपत्ति आंकी थी। दुनिया के टॉप थ्री सबसे अमीर डॉन की लिस्ट में दाऊद का नाम आने के बाद से उसकी पूछ पाकिस्तान में बहुत बढ़ गई। लेकिन डॉन की असल ताकत अब भी उसके नाम का खौफ है। पाकिस्तान में दाऊद की ताकत आतंकी आका है, वो आतंकी आका जिनके नाम से इस्लामाबाद थर्राता है। हाफिज मसूद जैसे दहशतगर्दों का दुलारा है दाऊद इब्राहिम। दाऊद ने डी कंपनी का मर्जर टेरर कंपनी में कर रखा है। मुंबई को 1993 में 12 सीरियल बम ब्लास्ट से दहलाने वाले दाऊद इब्राहिम ने क्या कभी भारत आने की कोशिश की? क्या भारतीय खुफिया एजेंसियों ने दाऊद के खेल को खत्म करने के लिए कभी कोई सीक्रेट ऑपरेशन चलाया? इन सवालों के जवाब जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि दाऊद इब्राहिम भारत क्यों आना चाहता था। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI की सरपरस्ती में अपनी आतंकी सल्तनत को चला रहे दाऊद इब्राहिम को पाकिस्तान में आखिर क्या कमी है? टेली सीरीज के इस एपिसोड में देखिए मोहरा द टेरर ट्रेजरर। दाऊद के घर का फोन नंबर है +92 21 35 87 16 39। ये नंबर दाऊद इब्राहिम की पत्नी महजबीन शेख के नाम से पाकिस्तान के कराची शहर में रजिस्टर्ड है। दाऊद की बेटी महरूख इब्राहिम का नंबर है +92 300 82 74 796। ये फोन नंबर भी पाकिस्तान का है जो दाऊद की बड़ी बेटी महरूख के नाम पर रजिस्टर्ड है। दाऊद की छोटी बेटी महरीन का नंबर है +92 300 22 38 572। दाऊद इब्राहिम की छोटी बेटी महरीन के नाम से रजिस्टर्ड है और खुद दाऊद इब्राहिम का नंबर है +92 219923 और +92 333 320। ये नंबर 2017 में भारत ने पाकिस्तान को सौंपे डोजियर में दिए। इसका मतलब ये हुआ कि दाऊद और उसके परिवार के पास कराची में लैंडलाइन से लेकर मोबाइल तक मौजूद है। वो पाकिस्तान में ऐशो आराम की जिंदगी के साथ साथ जुर्म की सल्तनत का भी सुल्तान बन गया है। अब सवाल है आखिर दाऊद इब्राहिम भारत क्यों आना चाहता है? '93 लंदन का होटल। लंदन के एक होटल के उस कमरे में फोन की घंटी बजती है। कमरे में मशहूर वकील राम जेठमलानी ठहरे हुए थे। फोन करने वाला कोई और नहीं बल्कि दाऊद इब्राहिम था। मेरे को खुद दाऊद ने फोन किया था। दाऊद ने कहा कि साहब मेरे ऊपर सिर्फ ये कहते हैं कि मैं बड़ा बड़ा गुनाह किया है, बम ब्लास्ट ये वो, और सब झूठी बात है। मैं आने के लिए तैयार हूँ मगर मुझे सिर्फ ये एश्योरेंस चाहिए, तसली चाहिए कि भाई मेरे को ये मारपीट नहीं करेंगे, थर्ड डिग्री नहीं करेंगे और मेरे को हाउस अरेस्ट में रखो। आई एम कमिंग टू डिफेंड माई सेल्फ। अगर मैं गुनाहगार हूँ तो मेरे को सजा दो। सवाल है आखिर दाऊद इब्राहिम किस वजह से भारत आना चाहता था और आखिर क्यों उसकी हिंदुस्तान वापसी टल गई? इस बारे में मशहूर वकील राम जेठमलानी कहते हैं, मैं सरकार तो नहीं हूं ना, आई कांट गिव गारंटी ऑन दैट, सो आई सेंटर इन राइटिंग
आई रिमेम्बर शरद पवार को मैंने लिखा था कि आने के लिए तैयार है, आखिर इन्होंने थोड़े दिन के बाद कहा कि साहब ये बात नहीं होगी। जब मीडिया में राम जेठमलानी का बयान आया तो खूब हंगामा मचा, लेकिन तब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने कहा कि दाऊद के हिंदुस्तान वापसी की शर्तें कानून के मुताबिक नहीं थीं। राम जेठमलानी साहब ने इस तरह का प्रपोजल दिया था, ये बात सच है, मगर इस पर कंडीशन डाली थी। कंडीशन ऐसी डाली थी कि दाऊद इब्राहिम को बम्बई में आने के बाद पुलिस ने अरेस्ट नहीं करना चाहिए, उसको घर में रहने का इजाज़त देनी चाहिए। भाई जिसके खिलाफ इतने केसेस है, ऐसे आदमी को अरेस्ट नहीं करना ये कौन स्वीकार कर सकता है? और ये स्वीकार हम नहीं कर सकते। जिस वाकये का जिक्र राम जेठमलानी कर रहे थे, दाऊद की जिस घर वापसी को नियम कायदे के चश्मे से शरद पवार देख रहे थे, वो 1993 का समय था। तब अंडरवर्ल्ड डॉन दुबई में रहकर जुर्म का साम्राज्य चला रहा था, लेकिन 1993 मुंबई ब्लास्ट के बाद दाऊद को पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI और पाकिस्तान की सेना की सरपरस्ती हासिल हो गई। पाकिस्तान ने दाऊद का इस्तेमाल हिंदुस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी फैलाने के लिए किया। दाऊद ने जुर्म की दुनिया में अपनी कमाई का इस्तेमाल आतंकी संगठनों को फंडिंग में किया। मुंबई अंडरवर्ल्ड पर कभी करीम लाला, वरदराजन मुदलियार और हाजी मस्तान जैसे डॉन का सिक्का चलता था। इन तीनों ही डॉन के इलाके बटे हुए थे, तीनों के कुछ ना कुछ उसूल थे और वक्त के साथ तीनों ने अंडरवर्ल्ड से तौबा भी कर ली। लेकिन दाऊद इब्राहिम कोई उसूल नहीं मानता। दाऊद इब्राहिम के रास्ते में जो आया उसने उसे खत्म कर दिया। दाऊद इब्राहिम ने अपने दुश्मनों के परिवार वालों को भी नहीं बख्शा। गैंग वॉर में दाऊद इब्राहिम ऐसा पहला डॉन था जिसने दुश्मनों के रिश्तेदारों को भी मौत दी। टेली सीरीज के इस एपिसोड में देखिए भाई जान, मेकिंग ऑफ बिग ब्रदर। छब्बीस जुलाई 1992 नागपाड़ा मुंबई। कार से उतरे चार शार्प शूटरों ने एक रेस्टोरेंट को टारगेट करके ताबड़तोड़ गोलियां बरसानी शुरू की। रेस्टोरेंट के भीतर से जवाबी फायरिंग हुई। शूटआउट में शूटर्स को गोलियां लगी। रेस्टोरेंट के काउंटर पर बैठे इस्माइल इब्राहिम पार्कर की मौत हो गई। ये इस्माइल इब्राहिम हसीना पार्कर का शौहर था, दाऊद का बहनोई था। अरुण गवली गैंग ने दाऊद से बदला लिया था। दाऊद ने गवली के भाई की जान ली थी। गवली ने जिन चारों शूटर से हत्या करवाई उनके नाम थे शैलेश हल्दनकर, बिपिन शेरे, राजू बटाटा और संतोष पाटिल। हमले को अंजाम देकर शूटर फरार हो गए, लेकिन कुछ दिन बाद नागपाड़ा में इनमें से दो लोगों को पकड़ा। भीड़ ने शैलेश और बिपिन को जमकर पीटा। दोनों को जख्मी हालत में पुलिस ने JJ अस्पताल में भर्ती कराया। दाऊद गैंग को खबर लगी तो ऐसा कांड हुआ जिसने मुंबई को दहला दिया। दाऊद गैंग ने बदले की फुल प्रूफ प्लानिंग की। अस्पताल की रेकी की गई। शार्प शूटर उत्तर प्रदेश से बुलाए गए। दाऊद गैंग को मालूम था बिपिन शेरे अस्पताल के पहले माले के 4 नंबर वार्ड में भर्ती था, जबकि उसका दूसरा साथी शैलेश हल्दनकर तीसरे माले पर 18 नंबर वार्ड में था। हमले की तारीख चुनी गई 12 सितंबर। 12 सितंबर 1992 JJ हॉस्पिटल मुंबई। 25 शार्प शूटर 6 तरह के हाईटेक हथियार लेकर JJ हॉस्पिटल पहुंचे। रात के ठीक 3:38 पर JJ हॉस्पिटल गोलियों की तड़तड़ाहट से थर्रा उठा। 50 सेकंड में 500 राउंड फायर हुए। तीसरे माले के 18 नंबर वार्ड को धुआं धुआं करने के बाद शूटर दूसरे शिकार को तलाशने लगे। तब तक सुरक्षा में तैनात पुलिस वालों ने मोर्चा संभाला, लेकिन पुलिस वाले भी कुछ नहीं कर पाए। दाऊद के गुर्गे बुलेट प्रूफ जैकेट पहने हुए थे। उन्होंने मुठभेड़ में 2 पुलिस कांस्टेबल और 1 इंस्पेक्टर को गोलियों से भून दिया। बहनोई का इंतकाम लेकर दाऊद मुंबई का सबसे बड़ा डॉन बन गया। उसका राइट हैंड छोटा राजन यहीं से उसका दुश्मन बन गया।
मुंबई धमाके के बाद दोनों जानी दुश्मन हो गए। छोटा राजन की जगह दुबई में छोटा शकील ने ली तो मुंबई में बहन हसीना पारकर दी कंपनी की गॉड मदर बन गई। दाऊद की 54 बेनामी संपत्तियों की देखरेख करने से लेकर सारे धंधे हसीना पारकर ने संभाल लिए। हसीना पारकर पर हवाला रैकेट चलाने के आरोप लगे। मुंबई में केबल ऑपरेटर्स की खूनी अदावत में हसीना का नाम उछला। जबरन वसूली के न जाने कितने आरोप डी कंपनी की गॉड मदर पर लगे, लेकिन उसके खिलाफ न कभी FIR हुई न कोई गवाह मिला। 6 जुलाई 2014 के रमजान महीने में हसीना पारकर को दिल का दौरा पड़ा। दाऊद की बहन की धड़कनें रुक गईं। डी कंपनी की गॉड मदर की मौत दाऊद के मुंबई चैप्टर का खात्मा माना जाता है, लेकिन बहुरूप ये डॉन के मोहरे मुंबई में अब भी कम नहीं है। मुंबई में गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम को मुच्छड़ बुलाते थे। वैसे दाऊद इब्राहिम के 13 नाम हैं ये बताया जाता है, जिनमें शेख दाऊद हसन, डेविड, हाजी साहब, अमीर साहब डी कंपनी में मशहूर हुए। दाऊद इब्राहिम भारत से भागने के बाद अपने नाम और पहचान बदलता रहा। कहा तो ये तक जाता है कि अपनी पहचान को छिपाने के लिए दाऊद इब्राहिम ने अपनी सर्जरी भी करवाई, लेकिन सूरत बदलने के बाद भी उसकी सीरत नहीं बदली। मौत का खौफ दाऊद इब्राहिम को सताता रहा। एक बार तो गोली उसकी गर्दन के पार चली गई थी। टेली सीरीज के इस एपिसोड में देखिए खौफ, हॉरर ऑफ डेथ। बैंक में नकाबपोश बंदूकधारियों ने धावा बोला, बड़ी रकम लूट कर सब फरार हो गए। बैंक रॉबरी का केस पुलिस के पास पहुंचा। शुरुआती जांच में ही पता चला कि लुटेरों में एक मुंबई पुलिस के हेड कांस्टेबल का बेटा था। हेड कांस्टेबल का नाम इब्राहिम कास्कर था। उन्होंने बेटे दाऊद को खुद पुलिस के हवाले कर दिया। दाऊद ने पैसे के दम से खेल बदल दिया। हवालात से बाहर निकलने के बाद उसे रोकने टोकने वाला कोई नहीं था। बड़ा भाई शब्बीर उसके हर गुनाह में साझीदार बना। कुछ ही दिनों में दाऊद ने 50 गैंगस्टर की गैंग बनाई। करीम लाला जैसे नामचीन डॉन से गुजरात बॉर्डर के इलाके में भिड़ गया। गैंग वॉर कई दफा हुई। एक शूटआउट के दौरान दाऊद के गर्दन में उसके गुर्गे की चलाई गोली गलती से लग गई। पोरबंदर में हुए शूटआउट में गोली लगने के बाद दाऊद बड़ौदा के सयाजी अस्पताल में भर्ती हुआ था। पुलिस पूछताछ में दाऊद ने अपने गुनाहों को कबूल लिया, लेकिन साल 1983 में दाऊद ने गुजरात हाईकोर्ट से जमानत ली। कुछ दिनों बाद ही वो दुबई भाग गया, क्योंकि मुंबई में हाजी मस्तान, करीम लाला, पठान और मान्या गैंग का सफाया हो चुका था। अब पुलिस के परवाह देश की सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।